बेटा जी, आज हम करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इसमें एक चीज है, अल्टरनेटिंग करंट भी हमने करना है और अगला चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, वो भी हम करेंगे वन आफ्टर द अदर। सबसे पहले चीज अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। अल्टरनेटिंग करंट हम ऐसे करंट को कहते हैं जो हर हाफ साइकिल के बाद, पॉइंट नोट कीजिएगा, हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज कर लेता है, उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और ऑब्वियसली इस करंट का जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा। अब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है बल्कि मुसलसल अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होता है। यहाँ पर यह भी बात आप जहन में रखेंगे कि अगर अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो इसके हर करंट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अल्टरनेटिंग होगा, मतलब मुसलसल अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा। और ऐसे करंट को जब भी हम किसी कॉयल वगैरह में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होगा और उस कॉयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और दैट इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द पैसेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ब्लॉक हो सकता है, रुक सकता है कॉयल के जरिए, इंडक्टर के जरिए या चोक के जरिए, बात एक ही है, सोलेनाइड के जरिए। लेकिन जब हम इसी अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टर में से गुजारते हैं, गुजर जाता है, जब हम इसको गुजारते हैं कैपेसिटर में से गुजर जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक होगा इंडक्टर के जरिए। ऑन द अदर साइड ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, कांस्टेंट करंट हो, उसे स्टेडी डीसी करंट कहते हैं। स्टेडी, STEADY, स्टेडी का मतलब होगा यहां पर कांस्टेंट डीसी करंट, स्ट्रेट लाइन से उसको शो करते हैं। और इसको हम, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, डायग्राम नंबर वन, डायग्राम नंबर टू, ये हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो किया। एक जैसी डायग्राम होती है, बस एक तरफ हमने करंट लिख दिया, एक तरफ हमने वोल्टेज शो कर दिया। अब इस अल्टरनेटिंग करंट में एक दो बातें नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, आपने पढ़ी हुई है। यहाँ एंगल जीरो होता है, इस पीक पर एंगल 90 होता है, पॉजिटिव पीक पर, इधर 180 होता है, नेगेटिव पीक पर, नेगेटिव पीक के ऊपर एंगल या फेज एंगल 270 होता है और ये 360 आ जाता है। इसको पाई बाय टू बोलते हैं, 90 को पाई बोलते हैं, 180 को 3 पाई बाय टू बोलते हैं, 270 को, और 2 पाई बोलते हैं 360 को। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम बात करते हैं टाइम के हवाले से, तो इधर टाइम, अगर हम टी स्मॉल टी टाइम को शो करते हैं तो टाइम पीरियड के हवाले से इसको अगर शो करें, ये स्टार्टिंग में जीरो टाइम है, 90 के ऊपर वन क्वार्टर टाइम पीरियड गुजर जाता है, टी बाय फोर, 180 के ऊपर आपका जो टाइम है वो हाफ टाइम गुजर जाता है, टी बाय टू, 270 पे तीन क्वार्टर गुजर जाते हैं, 3T/4। और जब आप आते हैं पूरा साइकिल मुकम्मल करते हैं तो पूरा टाइम पीरियड टी मुकम्मल होता है। तो टाइम पीरियड और फेज एंगल दोनों लिहाज से आपको ये इक्वेशन या ये डायग्राम याद होनी चाहिए, इसकी डायग्राम का आगे बहुत रोल आने वाला है। एक और चीज़, जब हम फेज एंगल की बात करते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा होता है 2π/T (t) या 2π(ft). थीटा की जगह हम इन तीनों में से कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, थीटा कर लें, ओमेगा टी कर लें, 2π/T के साथ स्मॉल टी कर दें। इसमें जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड है और स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है। तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन मुसलसल चेंज कर रहा हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो, पोलैरिटी चेंज कर रहा हो, अल्टरनेटिंग कहलाता है। अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, याद रखिएगा जब भी हम बात करेंगे तो एक टाइम पीरियड के आधे हिस्से में आपका करंट एक तरफ से फ्लो करता है और बाकी आधे हिस्से में दूसरी तरफ से फ्लो करता है। मतलब अगर एक हाफ में ये क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो बाकी आधे हिस्से में ये क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट।
नेक्स्ट थिंग जो हमने इसके अंदर पढ़नी है, कुछ इसके अंदर डेफिनेशंस हैं और फॉर्मूले हैं एक दो। डेफिनेशन में सबसे पहली चीज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। जहाँ तक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ताल्लुक है, ये फॉर्मूला है, ये हमने पीछे पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू, अगर मैक्सिमम में लिखें, वी नॉट साइन थीटा, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई बाई कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, या वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन टू पाई एफ टी। और बिल्कुल इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूले आप करंट के लिख सकते हो, बस वी की जगह आई कर देना है और वी नॉट की जगह आई नॉट कर दोगे, बाकी साइन उसी तरतीब से तब्दील होता चला जाएगा। ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए। इन रिलेशंस की वजह से भी आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेकिन वो पीछे डायग्राम में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर 90 डिग्री पे निकालना हो या टी बाई 4 सेकेंड के ऊपर, तो आपका जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम आएगा वी नॉट, या करंट आई नॉट आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं, और आपकी बुक में ये कैलकुलेशन हुई हुई हैं, ये सामने लिखी हुई हैं आपके पास, ये वन से लेकर सारी आप देख सकते हैं। जब हम टी इज इक्वल टू जीरो करते हैं, ये पहली चीज़ जिसको मैं सर्कल किया, तो वोल्टेज भी जीरो है। टी बाई फोर 90 डिग्री के ऊपर वी नॉट मैक्सिमम आंसर आ रहा है, हाफ टाइम पीरियड के ऊपर यानी 180 डिग्री पर जीरो अगेन हो गया, और 3t बाई फोर यानी 270 डिग्री पर, ये 3π बाई टू 270 होता है, तो ये साइन थ्री पाई बाई टू बन जाता है, जो साइन 270 होता है वो माइनस वन होता है, उसके साथ वी नॉट आ जाता है। तो हमारे पास ये v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बन जाता है, और अगेन जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो ये v ज़ीरो हो जाता है। ये पूरा ये आपको पास ये दोनों डायग्राम बनी हुई है जो मैं आपको बनवा दी थी। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपने चीज़ पढ़नी डेफिनेशन है, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मैं बता चुका हूँ, पर जो फॉर्मूले बताए थे आपको, पीक वैल्यू मैक्सिमम को कहते हैं, और पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम का सम पीक टू पीक कहलाता है 2v0। ठीक है, अब आ गए आपके पास मीन स्केल वेलोसिटी। आमतौर पर जो एवरेज वैल्यू होती है ना अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, एवरेज वैल्यू जीरो होती है। ये आप नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, ऑब्वियसली ये अल्टरनेटिंग की बात हो रही है, कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है। हाँ, जो जहाँ पे एवरेज वैल्यू जीरो आ जाए वहाँ एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम रूट मीन स्केयर वैल्यू निकालते हैं। रूट मीन स्केयर वैल्यू, इसका मतलब ये निकलता है कि आपने पहले निकालनी है मीन स्केयर वैल्यू। ये वी स्केयर आया, इसका लिए टू से डिवाइड किया, क्योंकि एक जीरो मैक्सिमम जीरो मिनिमम और वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो वी नॉट का स्केयर किया यानी मीन स्केयर निकाला, और मीन निकालने के लिए टू पे डिवाइड कर दिया, और पूरे का ले लिया अंडर रूट। ये कहलाएगा रूट मीन स्केयर वैल्यू RMS। तो ये बन जाता है वी नॉट ओवर अंडर रूट टू, और इसको हम 0.7 वी नॉट भी कहते हैं। 0.7 और 7 पूरा होता है, लेकिन यहाँ हिंदी टेस्ट में हम इसको 0.7 के से याद करेंगे, और इसी तरह इसको अप्लाई करेंगे, आसान हो जाता है। IRMS करंट की रूट मीन स्केयर वैल्यू 0.7 आई नॉट या आई नॉट ओवर अंडर रूट टू के बराबर होती है। अंडर रूट टू यहाँ पे आप नोट कर लें 1.41 होता है, आपने 1.4 के हिसाब से चलाना है इसको। कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि आई नॉट या वी नॉट मालूम करने का कह दिया जाए, अंडर रूट टू को चला के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन हुई हुई है, ये नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं आपकी फिजिक्स चैनल के अंदर, या आपको फिजिक्स चैनल के अंदर जो फाइल का कॉलम है वहाँ ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद फेज बता चुका हूँ मैं थीटा, उसकी डिफरेंट वैल्यूज भी डिस्कस हमने कर ली है। ठीक है, अब फेज लीड और फेज लैग का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
बस ये एग्जांपल लेने लगा हूँ, ये आपके पास एक वेव फॉर्म है, लेट्स सपोज एक वेव फॉर्म यहां से शुरू हो रही है। अब जो रेड कलर की वेव फॉर्म है, पहले ब्लैक कलर की बात कर लेते हैं, हम कह लेते हैं ब्लैक कलर की वेव फॉर्म नंबर वन है, यहाँ इसका एंगल जीरो होगा, पीक पे इसका एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर इसका एंगल 180 डिग्री होगा, नीचे 270 होगा। अब जरा रेड कलर को देख लेते हैं, रेड कलर देखा जाए तो यहाँ पर पीक है इसकी स्टार्टिंग में ही, तो यही 90 होगा इसका, और उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये 180 हो जाएगा, नीचे पहुँचेंगे 270। अब आप देख लें आपके पास स्टार्टिंग में या उसके अगले पॉइंट के ऊपर जो रेड कलर की वेव फॉर्म है, जिसको मैं वेव फॉर्म नंबर टू का नाम देता हूँ, लेट्स सपोज ये वेव फॉर्म नंबर टू है, वेव फॉर्म नंबर टू का एंगल हर पॉइंट पर वेव फॉर्म नंबर वन से आगे है 90 डिग्री पर। इसका मतलब है वेव फॉर्म नंबर टू आपकी लीड कर रही है, तो ऐसी वेव फॉर्म या ऐसी क्वांटिटी जो एंगल वाइज आगे निकल जाए क्वांटिटी में दूसरी से, वो लीडिंग कराती है और पहली वाली लैगिंग। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ग्राफ टू इज लीडिंग ग्राफ वन पाए 90 डिग्री या पाए बाय टू एंगल। इसको यूं भी लिखा जा सकता है ग्राफ वन इज लैगिंग ग्राफ टू बाय 90 डिग्री। बात एक ही है, वन लैग कर रहा है, टू लीड कर रहा है। अब ये जो आपके पास सामने वेव फॉर्म बनी नजर आ रही है, इसमें अगर आप गौर से देखें, यहां पर आपके पास ये वेव फॉर्म नंबर वन है, दिस वन, और ये वेव फॉर्म नंबर टू है। वेव फॉर्म नंबर वन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और टू यहाँ नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब वेव फॉर्म नंबर वन को अगर आप स्टार्ट में देखेंगे, इसका एंगल 0 डिग्री है, अगला पॉइंट बी है, यहाँ पे इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये मैं लिख दिया ऊपर, ठीक है। आगे सी पे 180 आ जाएगा, ये इसका 180 का पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 180 डिग्री का, ये सी पॉइंट है इसका, ठीक है। अब वेव फॉर्म नंबर टू को देख लेते हैं, वेव फॉर्म नंबर टू यहाँ स्टार्टिंग में देखेंगे नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसका 270 एंगल कहलाएगा, और जब हम यहाँ पहुँचेंगे, वापस मैं रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि हाईलाइट होने में आसान हो, यहाँ पर तो ये एंगल 360 डिग्री यानी जीरो बन जाएगा। तो पॉइंट बी पर वेव फॉर्म नंबर वन 90 डिग्री पर है, जो कि ये 0 डिग्री पर है। तो यहाँ से अब आपको पता लग जाना चाहिए वेव फॉर्म नंबर वन का फेज 90 डिग्री ग्रेटर है देन वेव फॉर्म नंबर टू से, तो वन लीडिंग कर रही है टू को बाय 90 डिग्री। तो यहाँ तक ये देखिएगा, 360 का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं आगे चले गए, आप दोबारा स्टार्टिंग पे आए हैं। इस लिहाज से हम जब बी और बी के ऑनवर्ड पॉइंट्स को देखें, तो हमारा जो वेव फॉर्म नंबर वन लीडिंग पे आया हुआ है, ठीक है। देखिए नीचे ये 180 पर है, तो ये 90, ये 90 पीछे 180 आ गया, तो दो पॉइंट्स हमारे होने। हाँ, 270 से आप मिस गाइड हो सकते थे, इससे थोड़ा सा इसको आपने एलेबोरेट करके चेक कर लेना। वैसे भी ये जो साइन वेव होती है, यानी जिसमें साइन थीटा का फंक्शन होता है, वो शुरू होती है ओरिजिन से यानी ए से, और जो कोसाइन वेव होती है जिसमें कॉस का फंक्शन आता है, वो शुरू होती है ओरिजिन के ऊपर के पॉइंट से, क्योंकि ये यहाँ वन वैल्यू होती है। लेकिन जो ग्राफ ये नीचे से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हो रहा है आपका, इसका मतलब है ये जो है ना नेगेटिव कोसाइन ग्राफ है। तो नेगेटिव कोसाइन ग्राफ का मतलब ये नेगेटिव में वैल्यू, ये वैसी पीछे हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से। तो ये आपका हो गया लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें कोई मसला किसी को? जी बेटा। नो सर। चलें आगे चलते हैं फिर। ये अब आपको तीन चार डायग्राम नजर आ रही हैं, इसमें अगर आप डायग्राम नंबर वन टू थ्री एंड फोर, इसमें अगर वन को और टू को हम देखेंगे तो हम बात कर चुके हैं अभी, लीडिंग और लैगिंग की बात हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो ए है ना, ये आगे है वन में, और टू में बी आ गया है,
वो तो हो गई। अब आप उसमें आ जाएं, थ्री डायग्राम में ए और बी अगर आप देखेंगे तो ये आउट ऑफ फेज इमेज बन रही है, यानी इनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है। अब यहां पर थ्री में ये 180 डिग्री का फेज कहलाएगा, और फोर में जो दोनों एक ही जगह पर है, ओवरलैप कर रही हैं, ये इन फेज कहलाएंगी, इनका एंगल 0 डिग्री कहलाएगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है नोट्स में, ठीक है जी। अब इनको हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए छोटा सा असूल जहन में बिठा लो। लीडिंग क्वांटिटी, गौर से सुनो, लीडिंग क्वांटिटी इज ड्रॉन एट फेज एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लैगिंग क्वांटिटी। अब मैं जरा बता देता हूं दोबारा से, लीडिंग क्वांटिटी हमेशा लैगिंग क्वांटिटी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है अपने फेज एंगल पर। मिसाल के तौर पर ये जो फिगर नंबर 1 है, इसमें लैगिंग क्वांटिटी बी है जो बाद में आ रही है वाली, तो बी का ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये बी का है। तो अब लीडिंग क्वांटिटी ए है, वो 90 डिग्री पर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे मैं ए ड्रॉ करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर बी को मैं यहां ड्रॉ कर देता तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर ए आना था। ये बात नोट कर लो, ये दोनों फिगर एक ऐसी हैं, कोई फर्क नहीं है, बस ये देखा जा रहा है कि रेफरेंस एक्सिस यानी बी को हमने हॉरिजॉन्टल लिया है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लिया है। अच्छा, जो नीचे वाला है इसमें आपकी लैगिंग क्वांटिटी है, ए को इधर ड्रॉ कर दिया अगर मैंने मिसाल के तौर पे, तो बी को इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। और यहां पर ए अगर आपका राइट पर है तो बी आपका लैगिंग में आ रहा है, या फिर वो 180 डिग्री पर है तो बी इधर जाएगा। ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और जो चौथी फिगर है उसमें ये ए है तो ये बी है इसी के ऊपर, या फिर ये ए है तो ये बी है, पैरेलल टू ईच अदर। ये नोट कर लें डायग्राम्स के हवाले से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाजमी, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे एसी थ्रू आरसी आरएल सर्किट में। जी मेरा बेटा, थर्ड वाले में प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा, वो समझ नहीं आ रहा। थर्ड वाला ये है कि आपके पास एक वेव फॉर्म है, ये मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखो एक वेव फॉर्म ये है और दूसरी वेव फॉर्म ये वाली आ रही है, तो ये कहलाती है आउट ऑफ फेज, यानी 180 डिग्री पे इनका फेज डिफरेंस होता है, इसको आउट ऑफ फेज कहते हैं। फर्स्ट ईयर की वेव्स के अंदर भी इसका जिक्र है, वहां से आप जहन में बिठा सकते हो। अब बात समझ आई, इन्हें एक दूसरे की मिरर इमेज भी बोलते हैं ये थर्ड वाले को। अब बात क्लियर हुई कि नहीं, जिन वेव्स का एंगल 180 डिग्री। हाँ बोलो। नहीं समझ आ गया, वो पहले मैं सोचता था दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं तो इन फेस होने चाहिए थे, वो अब एंगल डिफरेंस देखा है तो पता लग गया। हाँ जी, चले ओके जी, चले ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास ये वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गई, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसमें, अब ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं आपके, ये आपके एमसीक्यू भी हैं, यानी ये आपका जो आई इज इक्वल टू 20 sin 100 pi t, इसमें 20 जो है ना ये आपका मैक्सिमम करंट है, ये लिखा हुआ है। और अगर आपने इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो 100 पाई टी को आप 2 पाई एफ टी से कंपेयर करके हल करेंगे तो 50 हर्ट्स आएगी। और अगर आई नॉट आ गया है, इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, ये जरा सीख लो, 20/√2, ठीक है। 1/√2 होता है 0.7 × 20, तो इसको आप 7/10 कर दें। मैंने कहा था ना 0.707 की जगह 0.7 लेंगे, तो 0 0 कैंसिल होकर 14 आंसर। ये विदाउट कैलकुलेटर आप कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह का आगे भी 16.2 आपके पास क्वेश्चन है, तो ये भी इसी किस्म का है। इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू गिवन है ये 15 एम्पेयर, आपने आरएमएस निकालना है, तो 15 को 1/2 से या 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से डिवाइड करने का मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है।
आगे आके बाद जो न्यूमेरिकल है ये अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एक्स एल ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अगर आपको ओमेगा पता हो, ओमेगा ना भी पता हो, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, मैं बता चुका हूँ अभी। इसको इंडक्टेंस एल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस आ सकती है। बहरहाल ये न्यूमेरिकल है या बुक में आपने किए भी हैं, तो होप्स होगा आप इनको रिपीट भी करेंगे। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला जो अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर आता है वो वी आई कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, और इसमें जो वी और आई यू है ये आर एम एस वैल्यूज होती हैं। कॉस ऑफ थीटा यहाँ कहलाता है पावर फैक्टर, कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर कहते हैं हम पावर फैक्टर को, याद रखिएगा, क्योंकि ये फैक्टर हमारा डिसाइड करता है कि हमारी जो पावर है वो मैक्सिमम डिसिपेट होगी या मिनिमम डिसिपेट होगी। कॉस ऑफ थीटा जीरो हो जाए तो मिनिमम या जीरो पावर डिसिपेट होती है, थ्रेटिकली जीरो और प्रैक्टिकली मिनिमम। और अगर ये वन हो जाता है पावर फैक्टर, ये कब वन होगा, जब कॉस का एंगल जीरो हो जाएगा, यानी जब इन फेज क्वांटिटीज आएंगी, तब आप कहोगे कि आपका जो पावर है वो मैक्सिमम डिसिपेट हो रही है। जब पावर फैक्टर वन होगा तो पावर मैक्सिमम डिसिपेट होगी। आगे दो डेफिनेशन नजर आ रही है, एसी और डीसी सर्किट्स, वो सर्किट जिनमें अल्टरनेटिंग करंट सोर्स यूज करते हैं वो एसी सर्किट कहलाता है, और जिनमें आप डायरेक्ट करंट सोर्स यूज करते हैं उसे हम डीसी कहते हैं। एसी सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वो आपके होते हैं इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर, तीनों यूज होते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। लेकिन जो आपके पास होता है डीसी सर्किट, इनमें रेजिस्टर्स ही यूज होते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ, सीरीज और पैरेलल के अंदर। अब एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी को जब हम किसी रेजिस्टर में लगाते हैं तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला होता है वो वी इज वोल्टेज का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा हो जाता है या ओमेगा टी। तो दोनों में साइन का फंक्शन आ रहा है, तो ये दोनों क्वांटिटीज इन फेज होती हैं, यानी इनमें एंगल 0 डिग्री होता है, एक साथ ये राइज एक साथ फॉल करती हैं। डायग्राम नजर आ रही है इनकी, वेक्टर डायग्राम भी आपको पता लग गई। अब आ जाए फेज एंगल 0 होता है ये लिखा हुआ है, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी। रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला आ जाएगा इसकी, वी ओवर आई ओम्स लॉ के मुताबिक। और आपके पास पावर्स के फॉर्मूले, पावर डिसिपेशन के फॉर्मूले आई स्केयर आर, वी आई या वी स्केयर ओवर आर होंगे। नेक्स्ट, एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजर जाता है। इसका जब हम फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं तो पहला फॉर्मूला वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा और दूसरा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन थीटा, ये वाला, ये सी वी नॉट का मतलब क्यू नॉट ही होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी। तो इसका मतलब है ये चार्ज और वोल्टेज आपस में इन फेज है। अब जो करंट है ना वो इस चार्ज का रेट ऑफ फ्लो होता है, ये स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करता हूँ, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं हम इस इक्वेशन का, चार्ज की इक्वेशन का, वो आएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, क्योंकि ये करंट के बराबर होगा तो क्यू नॉट तो अपनी जगह पर रहेगा और साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट एक्स रखा है, यानी करंट के फॉर्मूले में कॉस का फंक्शन आ रहा है और वोल्टेज के फॉर्मूले में साइन का फंक्शन आ रहा है। इसका तो मतलब है जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो यहाँ से शुरू होगी सेंटर से, और जो करंट की इक्वेशन है वो मेरी शुरू होगी इधर से। इसका मतलब मेरी जो करंट की क्वांटिटी है वो यहाँ पे लीडिंग क्वांटिटी है और जो वोल्टेज की क्वांटिटी है वो लैगिंग क्वांटिटी है, जो मैं अभी बता चुका हूँ। प्लस एक और चीज़, ये तो हमने डायग्राम फॉर्मूला देख के बता दिया, लीडिंग लैगिंग या डायग्राम देख के बता दी, ठीक है। सीधी सी बात है, करंट स्टार्टिंग में 90 डिग्री पर है, इसका एंगल मैक्सिमम है और वोल्टेज का 0 डिग्री है, तो आपके लिए आसान काम यही है कि करंट में चूंकि कोसाइन का फंक्शन आता है इसलिए ये आपकी लीडिंग क्वांटिटी बन गई, और वोल्टेज में साइन का थीटा आ रहा है इससे ये बन जाएगा लैगिंग क्वांटिटी इस डायग्राम या इस सर्किट के लिए।
एक और चीज़ भी आप जहन में रखेंगे, ये तो मैंने मैथमेटिकल रीज़न बता दिया आपको, फिजिकल रीज़न क्या है वो ये है कि जब आपका करंट या वोल्टेज बढ़ रहा होता है, ये आपका वोल्टेज यहाँ तक बढ़ता है ठीक है, उस दौरान चार्जिंग होती है, जैसे ही ये डिक्रीज करना शुरू करता है आपकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है, डिस्चार्जिंग होता है करंट सर्किट में रिलीज हो जाता है, और करंट जब सर्किट में रिलीज होता है तो इसका मतलब है करंट पहले रिलीज होता है और जब करंट सर्किट में पहले रिलीज हो गया यानी करंट अपनी डायरेक्शन पहले चेंज करना शुरू कर देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रिलीज होता है ठीक है जी, और वोल्टेज अपने डायरेक्शन चेंज करता है 180 डिग्री के बाद, ये भी वजह है कि करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग क्वांटिटी होता है। बहरहाल आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जब आप कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को तो करंट लीडिंग है चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से और वोल्टेज लैगिंग है ठीक है, 90 डिग्री का फर्क होता है, 90 डिग्री का मतलब है कि कॉस 90 जीरो होता है, इनमें कोई पावर डिसिपेट नहीं होती या मिनिमम पावर डिसिपेट होती है ठीक है। ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ लिखी हुई है ठीक है, और ये इसकी वेक्टर डायग्राम आ गई, पहले बात हो चुकी है इसकी, और कॉस थीटा कॉस 90 जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर इसका जीरो होता है ठीक है जी, ये नोट कर लें, ये भी इसके एमसीक्यू है। और इसकी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्स सी, जिसे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये होता है जी आपके पास 1/ω C या 1/2 πfc, इसका मतलब है आपका जो एक्स सी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये बात आप नोट कर लें, एक्स सी एफ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ पैराबोला आएगा, ये भी इसका एमसीक्यू बन सकता है। एक्स सी इसका मतलब है कि वैल्यू लार्ज होती है स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के लिए, और लार्ज फ्रीक्वेंसीज के लिए इसकी वैल्यू स्मॉल होती है ठीक है। हाँ जब आप जो रिएक्टेंस की बात करते हैं, रिएक्टेंस आपकी जो कैपेसिटेंस है उसके भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आप कैपेसिटेंस ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्टेंस कम होती चली जाएगी, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कम होती जाएगी, अगर आप कैपेसिटेंस को कम कर देंगे तो फिर आपकी ये रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपके पास एसी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर कॉयल को कहते हैं, ये टू ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट हमारे अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, इसे अल्टरनेटिंग करंट इसमें से गुजर नहीं पाता सही तरीके से, यानी आपका जो कैपेसिटर है वो अल्टरनेटिंग करंट गुजरने दे रहा है लेकिन वो डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कैपेसिटर करता है, अल्टरनेटिंग करंट को अलाउ करता है गुजरना। इसी तरह से इंडक्टर डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है, अल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक कर लेगा। अब यहाँ पे जब हम इसकी इक्वेशंस का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे करंट की आती है जो इंड्यूस हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा या ओमेगा टी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे नोट्स के अंदर तो वो ओमेगा टी और 2 πft लिखा हुआ है। अब इसका जो पोटेंशियल है वी, वो असल में इंड्यूस ई एम एफ वाला है, सेल्फ इंड्यूस ई एम एफ वाला, एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अगर आप यहाँ पर इस करंट की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी करें, आई नॉट और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा और थीटा का डी थीटा ओवर डी टी, तो इसका मतलब है ये जो डी आई ओवर डी टी है ये आपका वोल्टेज के इक्वल है, और इसके अंदर आपके पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस का, जबकि करंट में आ रहा है साइन का, इसका मतलब है अब वोल्टेज का फंक्शन लीडिंग क्वांटिटी है और करंट का फंक्शन एक लैगिंग क्वांटिटी है ठीक है। अगर आप अपनी टेक्स्ट को पढ़ेंगे बुक को तो वो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है। अब याद रखिएगा ये स्लोप का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था मोशन में, तो मैंने आपको कुछ ग्राफ्स पढ़ाए थे, इस किस्म का ग्राफ जो होता है जो अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्वार्टर है ये डिक्रीजिंग स्लोप को शो करता है, यानी इसकी स्लोप इधर मैक्सिमम है स्टार्टिंग में और एंड पे जाकर ये हाइट के ऊपर जाके स्लोप जीरो हो जाता है। बिल्कुल यही काम हो रहा है आपके वोल्टेज के ग्राफ की स्लोप के साथ, वोल्टेज का ग्राफ ये बना हुआ है जिसको मैं वी लिख रहा हूँ, ये सॉलिड लाइन है ये वोल्टेज का ग्राफ है, और जो डॉटेड लाइन है ये करंट का ग्राफ है,
तो सॉलिड लाइन ये शो कर रही है कि बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर स्लो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम, और बिल्कुल हाइट पे जाके जहाँ ये ए पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करूँ, ये ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, यहाँ जाकर ये क्या हो जाता है, स्लोप ज़ीरो। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ सके। अब ये ज़रा वाजे नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये आपकी कहानी थी इसमें लीडिंग और लैगिंग की, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये वेक्टर डायग्राम मैं बता चुका हूँ, चाहे आप इसको दो तरीकों से मैंने ड्रॉ किया। जी मेरा बेटा, सर वो पॉइंट में थोड़ा वो कंफ्यूजन है, वो जो पीछे आपने बताया है साइन और कॉस का, वो लाइक इक्वेशंस लिख के। ए उस साइड पे लिखी, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। देखो करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट, जी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कर दो या साइन थीटा कर लो, जबकि जो वोल्टेज है यहाँ पे वो इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वाला वोल्टेज है ई एल, जिसका फॉर्मूला होता है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अगर आप यहाँ पर एल को सीधा छोड़ दें और डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर देते हो, यानी इस ऊपर वाली इक्वेशन को, तो आई नॉट अपनी जगह पर आएगा, साइन थीटा बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा, और थीटा का डायरेक्टिव डी थीटा ओवर डी टी आएगा। इसको हम आगे हल नहीं कर रहे, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न है, यहाँ कोसाइन आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, साइन का मतलब है मैं इसका जब ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो करंट यहाँ से शुरू होगा ऊपर वाली सेंटर से। को डिफरेंशिएट किया, हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, जिसे आप वाई करते हो ना, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट साइन थीटा होता तो डी वाई ओवर डी एक्स करते, तो क्या करते आप, वाई नॉट अपनी जगह पर और ये आता है कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की जगह डी थीटा ओवर डी एक्स। याद आया, मैथ में सीधा करते हो, यहाँ उसी को हमने करंट से शो कर दिया, ठीक है। दूसरा ग्राफ आपका ये बना जो कोसाइन वाला ग्राफ है, क्योंकि कोसाइन आ रहा है वोल्टेज में, तो वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी बन गई और करंट आपकी लैगिंग क्वांटिटी बन गई। अब यहाँ पे एक और इसकी रीज़न नोट कर लो, वो आपको समझना और आसान हो जाएगा, ये तो मैथमेटिकल रीज़न था ना इसका। जब भी आप अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करते हैं इंडक्टर में, मैंने आपको अभी बताया कि इंड्यूस करंट पैदा होता है, इंड्यूस ईएमएफ अप्लाइड करंट के अपोजिट पैदा होती है। इसका मतलब है अपोजिशन मिलने की वजह से आपका अल्टरनेटिंग करंट इस केस में लीडिंग के बजाय लैगिंग क्वांटिटी बन जाता है और पोटेंशियल लीडिंग हो जाता है। ये लॉजिक समझ आ गई, इंड्यूस ईएमएफ की प्रोडक्शन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन पैदा होता है ना, बैक ईएमएफ जिसे कहते हैं, तो वो रेजिस्ट करता है आपके इंड्यूस करंट, आपके ओरिजिनल करंट को, उसकी वजह से जो ओरिजिनल करंट है वो लैगिंग में चला जाता है और वोल्टेज लीडिंग में आ जाता है। ये इसकी फिजिकल रीजनिंग है सर जी। कौन से ग्रंट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से जो पैदा हुआ या फिर जो ओरिजिनल है? बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से किसी करंट की बात हो ही नहीं रही, तुम इंडक्शन को यहाँ कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ एक करंट जो हमने ये जनरेटर से अप्लाई किया है, ये जो ऊपर डायग्राम में जनरेटर नजर आ जी रहा है, इसका करंट चलेगा जब, ठीक है, इसकी वजह से एक करंट, इसका ये करंट चेंजिंग करंट है, ये चेंजिंग करंट जब इस कॉयल से गुजरेगा तो कॉयल में इसके चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट पैदा होगा कॉयल के अंदर। तो अब ये करंट लगा यूं जा रहा है तो वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कॉयल के अंदर और इसको अपोज करेगा, बात समझ आई, जिसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं या बैक इंड्यूस करंट, ये हमने कल पढ़ा था जी। क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। आगे चलते हैं, लीजिए लीडिंग और लैगिंग हो गया, फिर 90 डिग्री इनका फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। अब 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर इनका जो पावर फैक्टर है वो जीरो आएगा, तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन ना होने के बराबर। अब जब आप क्वार्टर के वाले से बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में वी और आई ग्राफ के अंदर दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है पावर दोनों की पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है पावर आपकी जो एनर्जी है वो जनरेटर से इंडक्टर में जा रही है। लेकिन अगले ही साइकिल में
करंट आपका पॉजिटिव बन जाता है, वोल्टेज नेगेटिव बन जाता है, तो पावर वापस जनरेटर में आ जाती है। ये चीज कहाँ शो हो रही है? इधर आए, ये देखें, ये डायग्राम या जो डायग्राम मैंने बनाई थी उसको कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। देखें, ये आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये वाला हिस्सा होता है शुरू वाला, इसमें ये दोनों हिस्से डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन ऊपर है ग्राफ से, इसका मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है। लेकिन जो अगला हिस्सा है यहां से यहां तक का, जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला, इसमें इसमें डॉटेड लाइन नीचे है, सॉलिड ऊपर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें पावर वापस जनरेटर में आ जाएगी। अगले में दोनों नेगेटिव हैं, ये वाला ऐसा, तो पावर वापस जाएगी इंडक्टर में, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आएगा लास्ट में, तो इससे पावर आपकी क्या करेगी, मुसलसल कभी जनरेटर से इंडक्टर में, कभी इंडक्टर से जनरेटर में, यानी लो नेट पावर लॉस जीरो होगा। जितनी पावर जनरेटर से जाएगी आगे उतनी वापस मिल जाएगी, तो नेट पावर लॉस जीरो होता है इसके अंदर। ये इसकी फिजिकल रीजनिंग है, वरना एंगल के लिहाज से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस आ जाती है, ये वाला फॉर्मूला, इसमें ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी लार्ज पे लार्ज वैल्यू फ्रीक्वेंसी की और लो पर लो। उसके अलावा ये इंडक्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तीनों आपके एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने करंट को अप्लाई करना है, चोक आपकी कॉयली को कहते हैं, बस की तार मोटी होती है और वाइंडिंग इसकी बड़ी क्लोज होती है। चोक ये करती है कि आपकी पावर को ना जाया किए बगैर अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल कर लेती है। इम्पीडेंस टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं, जी से शो करते हैं, ओम इसका यूनिट होता है। पूरे सर्किट के अंदर जितने कंपोनेंट हैं उन सबकी कंबाइंड रेजिस्टेंस को कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसी आरएल सर्किट का। बात यह है कि जब आप आर और सी को इकट्ठा कर देते हो ना, तो जो आप अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हो, तो जो आर है ना उस पर पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है आई आर के बराबर, और सी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला होता है, ठीक है। यानी इन फेज होते हैं करंट और वोल्टेज आर में, लेकिन कैपेसिटर में उसी सर्किट के अंदर करंट लीडिंग और वोल्टेज लैगिंग हो रहा है। तो इसका मतलब है अब पूरे सर्किट को मिला के बात करेंगे तो करंट लीडिंग क्वांटिटी होगा, लेकिन अब इसका एंगल ना जीरो होगा ना 90 डिग्री होगा वोल्टेज के साथ। अब जीरो से कुछ ज्यादा, 90 से कुछ कम, इन बिटवीन होगा। ये कैसे पता लगेगा? ये देखें, अगर आपके पास ये करंट है तो ये आपका वी आर को शो कर रहा है। अब करंट लीडिंग क्वांटिटी है तो लैगिंग को मैं यहां ड्रॉ करूंगा ताकि करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए लैगिंग क्वांटिटी के। ये आपका वी सी होगा। जब आप इसको वी सी को यहां ड्रॉ कर देंगे और इनको यूं ऐड कर देंगे तो ये वी आर एम एस कहलाता है। इसकी इंपीडेंस डायग्राम में इधर आर होता है, इधर एक्स सी होगा और ये जी होगा और ये एंगल थीटा होगा और ये आपका फेज एंगल आएगा टेंजेंट इनवर्स। परपेंडिकुलर में एक्स सी है और बेस में आर है। इसको मजीद हल कर लेंगे, वन ओवर ओमेगा सी आर या ओमेगा की वैल्यू टू पाई एफ लगा दो, ये आपने याद करना है। फिर इसमें इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है वो ये वाला आखिरी फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इम्पीडेंस मालूम करनी है तो ये फॉर्मूला चलेगा। अच्छा, इम्पीडेंस के मजीद फॉर्मूले भी नोट कर लो, लाजमी नहीं आई आर एम एस ही हो, वी नॉट और आई नॉट भी हो सकता है, ये भी इम्पीडेंस होती है। वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस दोनों ही इम्पीडेंसेस हैं, ठीक है, दोनों फॉर्मूले चल सकते हैं। ये एंगल का फॉर्मूला बता चुका मैं आपको, और पावर फैक्टर करना है तो कॉस के आगे यही एंगल पुट अप कर दो, ये ऊपर वाला एंगल, ये नीचे लिखा हुआ है। और पावर डिसिपेशन यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मूले से मालूम करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आठवां न्यूमेरिकल आपकी किताब का, आपने यहाँ एक्स सी मालूम करनी है। एक्स सी मालूम करने के लिए वन ओवर टू पाई एफ सी का फॉर्मूला और ये कैलकुलेशन, ये इसका आंसर। और अगर फाई एंगल मालूम करना हो या थीटा मालूम करना हो तो टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर। अब ऑब्वियसली इतना मुश्किल सवाल तो नहीं आएगा कि आप विदाउट कैलकुलेटर ना कर सके। आप यहाँ पे वो वैल्यूज दी जाएंगी आपको जो विदाउट कैलकुलेटर हल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ टेन इनवर्स का जो वन आ सकता है, वन ओवर अंडर रूट थ्री आ सकता है या अंडर रूट थ्री आ सकता है या इन्फिनिट आ सकता है या जीरो आ सकता है,
तो क्वाड्रेंटल एंगल या वो 30, 45 और 60 डिग्री वाले आंसर यहाँ आ सकते हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आर एल सीरीज सर्किट है, जैसा आर सी था, आर एल में करंट लैगिंग होता है, वोल्टेज लीडिंग होता है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूले आपको पहले ही पता है, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है और ये इंडक्टर का पोटेंशियल है, और यहाँ आपकी जो डायग्राम है उधर एक्स सी नीचे आ रहा था, यहाँ एक्स एल ऊपर बनेगा, ये फर्क है, ठीक है। यानी दोनों का करेक्टर एक्स सी और एक्स एल का एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, इसका मतलब ये निकला। अब इनकी इंपीडेंस का फॉर्मूला भी उधर था, आर स्केयर अंडरूट के अंदर और एक्स सी का स्केयर, यहाँ एक्स एल का स्केयर है, इस लिहाज से सिमिलैरिटी है, तो आप याद कर सकते हैं, बस एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू में फर्क है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी है ये फेज एंगल का फॉर्मूला है, ओमेगा की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये शेप शेप बन जाएगी फॉर्मूले की, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके अंदर आपके पास सीरीज सर्किट है आर एल सी का, और क्या नाम है, पैरेलल सर्किट है आर एल सी। पावर का मैं बता चुका हूँ पहले से आपको, ये शुरू में जिक्र आ गया हुआ है। अब मैं सीधा जा रहा हूँ, ये सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट कहलाता है ये, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम जब अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई करते हैं, तो चूंकि सीरीज सर्किट का करंट इसमें तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स में सेम होता है, पोटेंशियल हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं लो और हाई फ्रीक्वेंसी के हवाले से। सर जी क्या नाम बताया? रेजोनेंस सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट? रेजोनेंस एक्सेप्टर। सर्किट, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, जब हम यहां पर हाई या लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो ये जो आपके पास एल है, इसमें एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपका सर्किट आर एल सी सर्किट बन जाएगा और लो पर आर सी सीरीज बन जाएगा। इसका मतलब है इसका बिहेवियर चेंज होता है सर्किट का, या तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर इंडक्टर होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर, या डोमिनेटिंग फैक्टर सी होता है यानी कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी पर। इन बिटवीन हाई एंड लो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे दोनों की वैल्यू एक्स एल एक्स सी इक्वल और ऑपोजिट हो जाती है, जिसकी डायग्राम ये बनी हुई है इधर, ये वाली। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप कैलकुलेशन करें एक्स एल एक्स सी को बराबर रखकर, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद करना है, 1/2 π√LC। इसमें ओमेगा से का जवाब 1/LC होता है और खाली ओमेगा का जवाब 1/√LC होता है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये रेजोनेंस के ऊपर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो पावर फैक्टर्स का 1 होता है और मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। इम्पीडेंस रेजोनेंस के ऊपर मिनिमम, क्योंकि आर के इक्वल रह जाती है, बाकी फैक्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है जी। करंट मैक्सिमम हो जाता है, करंट फ्रीक्वेंसी का ग्राफ सामने बना हुआ है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है दिस वन एफ आर, और ये मैक्सिमम करंट है इधर। मैं इनका जो फॉर्मूला है उसमें ज्यादा बात है, ये न्यूमेरिकल है इसका, एक छोटा सा एल सी की वैल्यू दी जाएगी, आपने पुट अप करके हल कर लेनी है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी जो आप हल कर सकोगे, ऐसी नहीं आएंगी जो हल नहीं कर सकते, भी आप हल कर सकते हो, बड़े आराम से हल कर सकते हो। 2500 × 4 = 100 होता है, 2.5 भूल जाओ, 2.5 को 225/10 लगा के उसका 0 40 से काट दो, 100 का अंडरूट आपको पता है 10 होता है, और 10 पावर -6 का अंडरूट 10 पावर -3 होता है। इतना तो मैंने बता दिया, आगे आप बड़े आराम से हल कर सकते हो। ये जो आपको 2 और 3.14 नज़र आ रहा है, इसको 2 3 6 बना दो और अब उससे आप हल कर लोगे, 1/6 होता है वो 0.166, तो ये जो वही बनता है 15.916 ही तो बनता है, तो वो नेगेटिव पावर के साथ हल करेंगे तो जवाब 16 ही आएगा घूम घाम कर। आप कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेटर भी ये काम कर सकते हो, प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट, इसके अंदर जो आपके पास टॉपिक है वो पैरेलल सर्किट है आपके पास, ये रिजेक्टर सर्किट कहलाता है, रिजेक्टर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट रिजेक्टर सर्किट कहलाता है, इसमें सारे कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और करंट का ये होता है कि बड़ी ही आसान सी बात है याद करने वाली, कि जो करंट होता है वो रेजोनेंस के ऊपर
जो ब्रांचेस में होता है, खासतौर से कैपेसिटर और इंडक्टर की ब्रांच में, आपके सोर्स से भी बढ़ जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से कैंसिल आउट कर देता है। बाकी इसमें भी वही बात नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है। अलबत्ता इसकी जो इम्पीडेंस होती है वो डिफरेंट होती है आपके सीरीज सर्किट के मुकाबले में, या पैरेलल की वजह से करंट मिनिमम होता है लेकिन ज़ीरो नहीं होता, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी का वही फॉर्मूला जो पीछे पढ़ के आए, और ये इसकी आपके वहाँ इम्पीडेंस जो मैक्सिमम होती है, एल ओवर सी आर फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ये इसका ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और करंट का। बाकी इसके अंदर जो बातें हैं छोटी छोटी बातें हैं, थ्री फेज पावर सप्लाई, थ्री फेज पावर सप्लाई के हर दो कॉइल के बीच में आपका जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। पहला कॉइल अगर 0 डिग्री पर है तो दूसरा 120 भी, और तीसरा 240 एंगल पे होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0 डिग्री, 120 और 240, तीनों लिखे हुए हैं, हाईलाइट कर दीजिए, 0, 120, 240। इसकी वजह से अब हर कॉइल के अंदर टोटल देखा जाए आपके पास दो दो चार दो छः तारे होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाली लाइफ कहलाती हैं, तीनों नेगेटिव को आपस में मिला दिया जाए तो वो जो तीनों नेगेटिव मिलके एक न्यूट्रल वायर बना देंगी, ठीक है। अब ये जो अभी आप पढ़ के आए हो सारा फेज के हवाले से, इनमें फेज डिफरेंस आप देख सकते हो, इन्होंने जो डायग्राम बनाई हुई है तो फेज 1, 2, 3, ये 3 फेज बनते हैं क्योंकि 3 डिफरेंट एंगल्स हैं इसके अंदर। अब ये वो 90 वाले तो नहीं है लेकिन ये 120 डिग्री के लिहाज से बनाई गई, इसे थोड़ी सी डायग्राम पीछे जो पढ़ के हैं उसके लिहाज से डिफरेंट है। ये आप देख सकते हो डॉटेड की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये सेंटर था, सेंटर से ये हट के आंसर आ रहे हैं 120 और 240 एंगल की वजह से। एनीवे इतना तो उसको कीन जाके नहीं हमने पढ़ना, लेकिन ये डायग्राम देखो, ये बता रही है कि वो जो न्यूट्रल वायर होती है, ये न्यूट्रल वायर है सबसे नीचे वाली रेड कलर वाली, बाकी सारी लाइव हैं। किसी भी न्यूट्रल और लाइव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 230 होता है, लेकिन दो लाइव के बीच में पोटेंशियल 400 का होता है। इसे लोड मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि 400 वोल्ट को आप कहीं वहाँ भेज दें हैवी एसी की लाइन में, और 230 को आम पंखों बत्तियों की लाइन में चलाएं। फिर मैटर डिटेक्टर आ गया, जो मेटल की ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। मैटर डिटेक्टर काम करता है बीट्स और आपके पास वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के असूल के ऊपर। इसमें दो सर्किट्स होते हैं, एक इसमें रेफरेंस सर्किट होता है और एक इसमें सर्चिंग कॉयल का सर्किट होता है। सर्चिंग कॉयल अगर आप लेट कर लेते हो, आपको यहाँ ए और बी लगे हुए हैं, तो अगर आप देखोगे तो बी के पास हम एक पिस्टल को लेके आए हैं, यानी मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में फ्रीक्वेंसी दोनों कॉयल्स की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आएगा। उस फर्क को हम एम्पलीफायर में पुट करेंगे तो वो उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर पे भेज देगा, जिससे बीट्स पैदा होंगी। जितना फ्रीक्वेंसी का फ़र्क ज़्यादा होगा बीट उतनी ज़्यादा होंगी, यानी एक सेकंड में उतनी ज़्यादा मरतबा आपकी बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा जो चेक करने वाले होते हैं सिक्योरिटी वाले के लोग, कि जी यहाँ पे मेटालिक ऑब्जेक्ट बॉडी में ज़्यादा या कम है। जो कॉयल को कहते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, मोटी तार होती है और ये यूज़ होती है अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता ही है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, चार्ज लेस मैस लेस, और किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, और ये कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अलबत्ता ये प्रोड्यूस कैसे होती है, इनको प्रोडक्शन करने के लिए याद रखिएगा ऑसिलेटिंग चार्ज चाहिए होता है नंबर वन, या एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए होता है नंबर टू, या डिसलेरेटिंग चार्ज चाहिए होता है नंबर तीन। तीन किस्म के चार्जेस चाहिए होते हैं कोई एक इनमें से, एक्सेलरेटिंग जिसकी स्पीड अप हो रही हो, डिसलेरेटिंग जिसकी स्पीड डाउन हो रही हो, और ऑसिलेटिंग। यहाँ पे ऑसिलेटिंग के ज़रिए किया गया, और ये कॉन्सेप्ट दिया था जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल ने 1864 के अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है, इसमें आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि ये इमरजेंसी या रेडियो सिस्टम है सबसे पहले, और इसका वेवलेंथ आपका बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वेवलेंथ 10^6 मीटर में होता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे जहाँ तक फ्रीक्वेंसी है वो इनका 10^4 तक ही होती है बामुश्किल। फिर आपके पास एफ एम ए एम रेडियो, ये रेडियो वेव्स आ जाती हैं डिफेंस रेडियो सिस्टम के बाद, फिर माइक्रोवेव आ जाती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड का रीजन आता है, और ये बीच में छोटा सा रीजन ये वाला, ये आपका विजिबल रीजन है। और विजिबल स्पेक्ट्रा आपको पता है इसमें 7 कलर होते हैं आपके,
रेड से लेकर वॉलेट तक, फिर अल्ट्रा वॉलेट का रीजन है, एक्सरे और गामा रे। गामा रे की फ्रीक्वेंसी 10^20 के अराउंड होती है और इनका वेवलेंथ बहुत ही कम, 10^-14। यानी कि जो जो आप राइट की तरफ आते हैं आपका जो क्या नाम है वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रहा है इसका मतलब है पेनिटेशन पावर तो बढ़ रही है लेकिन डिस्टेंस जो होता है आपका कवर करने की पावर कम हो रही है। यही वजह है रेडियो वेव या डिफेंस रेडियो सिस्टम ज़्यादा फासला तय कर लेता है, और इसी वजह से रेडियो वेव को हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, एक्सरे गामा या अल्ट्रावायलेट को यूज़ नहीं कर सकते, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमोसफियर में। प्रोडक्शन के लिए मैं बता चुका हूँ आपको, आपको ऑसिलेटिंग चार्ज चाहिए होता है, वो बात हो गई, यही आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना की शेप, बस आपको यही ध्यान में रखनी है इसके अंदर। ये आपका रिसीविंग एंटीना है, इसमें जो जो वेरिएबल कैपेसिटर लगा है जहाँ पे एरो नजर आ रहा है ये हाईलाइट ये वाला पोर्शन, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी वही है जो आप पीछे पढ़ के आए हो, 2π√LC, ये लिखी हुई भी है इधर नोट्स में, ठीक है। उसके बाद ये बताया हुआ कि एक एंटीने से दूसरे एंटीने की तरफ जाती है वेव, तो ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना की तरफ जा रही, मतलब ये है इसका। फिर मॉड्यूलेशन है, प्रोसेस है जिसमें आप लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यानी कि ऑडियो वीडियो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के साथ मिक्सअप कर देते हैं ताकि ये दूर तक जा सकें। दो तरह की रेडियो वेव होती है, एक एम्पलीट्यूड, दो तरह की मॉड्यूलेशन, एक एम्पलीट्यूड या AM और एक FM। जो आपकी AM है ना इसमें एम्पलीट्यूड तब्दील होता है, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, इसकी रेंज ज़्यादा है, इसकी रेंज होती है 540 kHz से 1600 kHz तक, ये लिखी हुई है। FM की रेंज कम होती है, 88 MHz से लेकर 108 MHz, और चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है इससे आपको पता है ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए ये महदूद इलाके तक इनकी रेंज होती है। तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 16 मुकम्मल हुआ, अब हम इसके बाद शुरू करते हैं अभी चैप्टर नंबर 17। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर।